वेलकम टू बीएचयू स्टडी कैपिटल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सीयूटी बीएचयू स्टडी कैपिटल पे। तो सीयूटी की डेट आ गई है, 15 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, हमको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि 15 जुलाई को जनरल टेस्ट हो रहा है कि रोमेन हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, आपका पेपर 15 को हो रहा है, ये अपने दिमाग पे बैठा लीजिए। आपके पास 20 दिन है, इसको तो अपने हाथ में लिख लीजिए, सर पे लिख लीजिए, माथे पे लिख लीजिए, सब जगह लिख लीजिए कि हमारे पास 20 दिन है। ठीक है, 20 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, मेरे को अच्छे से पता है। जो कोर्स के बच्चे हैं उनके लिए हर दिन आपके लिए आपके मेंटर आते हैं, आपके लिए गूगल मीट पर लाइव सेशन ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे साथ फ्री में जुड़ते हैं, जो हमारे पास लाइव सेशन करने आते हैं, उनके लिए भी कुछ जिम्मेदारी है ना कि उनको भी चैनलाइज करें, उनको भी कुछ एडवांटेज चीजें बताएं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, अक्सर भैया ये आते हैं कि आपके लिए काउंसलिंग करते रहते हैं, आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, ये वीडियो स्पेशली बीए वालों के लिए है। ठीक है, और कौन कौन से बच्चों के लिए है, जो बच्चे हमारे पेड कोर्स में एडेड है, जो बच्चे हमारे साथ फ्री में क्लासेस करते हैं हर दिन यूट्यूब में, जो फ्री क्लासेस करते हैं। ठीक है, जो बच्चों की पढ़ाई हो चुकी है उनको अब अगले 20 दिन में क्या करना है, और जो बच्चों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की उनको अब क्या करना है। ठीक है, तो इन सबके लिए वीडियो है, कुछ तो वैल्यू आपको इस वीडियो में मैं ला के दूंगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, और कुछ मोटिवेशन कोर्स अपन शुरू करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन कोर्स भी आपने शुरू करते हैं। ठीक है, यू कैन हैव द रिजल्ट और हैव एक्सक्यूज बट नॉट बोथ। ठीक है, आपके पास या तो रिजल्ट होगा या तो एक्सक्यूज होगा। ठीक है, एक्सक्यूज हजार तरीके के बना लोगे, अगर पेपर अच्छा नहीं गया कि पेपर का पैटर्न अच्छा नहीं था, गड़बड़ आ गया था, जो पढ़ गए थे वो आया नहीं था, हमको बुखार आ गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, लेकिन आपके हाथ में रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करते हैं लेकिन लास्ट के 20 दिन अपना गड़बड़ा देते हैं। गड़बड़ा क्यों देते हैं सर? टेंशन हो रही है सर, हमने रिवाइज नहीं कर पाया सर अच्छे से, है ना। तो उस चीज को नहीं करना है, उसके लिए ही आपके लिए वीडियो लाया गया है। ठीक है, तो उस चीज को अपन को देखना है, तो ये चीज को ध्यान रखना कि आपको रिजल्ट वाले कैटेगरी में आना है। ठीक है, एक्सक्यूज वाले कैटेगरी में अपन को नहीं आना है। ठीक है, दोनों लोग। और एक और बात, पेड कोर्सेज और जो फ्री में पढ़ रहे हैं, कोई उसमें ये नहीं कि मतलब पार्शियलिटी है, ये वीडियो सबके लिए सेम है। और जब हम पढ़ाते हैं फ्री में लाइव सेशन में जब पढ़ाते हैं तो उसमें भी 110% ही देता हूं मैं अपना कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ही कर पाए। ठीक है, तो ये वीडियो में भी कुछ वैल्यू आपको ऐड करूंगा मैं, कुछ वैल्यू मतलब गारंटेड कुछ ऐसे पॉइंट आपको मैं बताऊंगा जो आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, एक और चीज ऐड कर ली है, कीप पुशिंग इट विल बी वर्थ इट। ठीक है, इसकी गारंटी शायद तक सब लोग, ये गारंटी नहीं है, ये एकदम गोल्डन वर्ड्स हैं। ठीक है, ये गोल्डन वर्ड्स हैं कि आपकी मेहनत अगर 100% है तो कभी आपका रिजल्ट 99% नहीं होने वाला, रिजल्ट आपका 110% ही आएगा। ठीक है, हमेशा आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको, मतलब उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लेना कि सर रिजल्ट पढ़ रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अभी आराम से अपना 20 दिन पूरा पढ़ाई करिए। कैसे पढ़ाई करनी है उसके ऊपर मैंने वीडियो में नेक्स्ट बताया, लेकिन एकदम मोटिवेटेड रहिए, टेंशन मत लीजिए। टेंशन किस बात का, पूरे साल भर पढ़ाई की आप लोगों ने। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होके ही रहेगा। जिन्होंने कुछ देर पहले पढ़ाई स्टार्ट की है तो टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी पढ़ाई करना स्टार्ट तो कर दी ना, तो अभी एकदम सीरियस हो जाओ। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की थी उनके लिए भी पॉइंट है कि आपके पास 20 दिन है ना, 20 दिन में तोड़ देंगे फोड़ देंगे, है ना, तो उसमें भी अपन एकदम मजे कर वो मतलब अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अब यहाँ पे मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैंने पहले भी कहा था कि मेरे को इस बोर्ड में लिखने की आदत नहीं है, लेकिन जो पॉइंट समझाने हैं वो आपको समझाने हैं। अब एकदम आराम से सुनना और कॉपी में नोट करते जाना। ठीक है, और इन पॉइंट्स को एकदम नोट करना, नोट करना मतलब इनको फॉलो करना अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, और एक और बात, मैंने इस वीडियो की टाइटल क्या दिया आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, अ स्टडी प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 20 डेज। ठीक है, मैंने कोई नहीं बताया कि कोई निंजा टेक्निक बता दूंगा कि 20 दिन में पेपर क्लियर कर लोगे। ठीक है, अ स्टडी प्लानिंग बताइए। ठीक है, तो एकदम रियलिटी में अपन जी रहे हैं, अगर मेहनत की है तो बस 20 दिन में उसको अच्छे से कैसे कवर कर लेना है, उसके बाद आपकी कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, आप जहां भी जाना चाहते हो। ठीक है, तो स्टडी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, कोई भी व्यूज के लिए नहीं कह रहे कि ये वीडियो में आप ये देखेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अगर पढ़ाई की है तो हो जाएगा, नहीं की है तो कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे पहले आपको मैंने लिखा है 2 डेज लास्ट, इसका क्या मतलब है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं, मजाक कर रहा। 2 डेज लास्ट का मतलब क्या है आपको? मैं आज 24 तारीख हो गई, ठीक है, आपका 15 को पेपर है। ठीक है, तो इसका जो 2 डेज लास्ट लिखने का मतलब है कि आपको मैं 2 दिन दे रहा हूं। 2 दिन किन के लिए दे रहा हूँ ध्यान से सुनना, जो बच्चे कोर्स में एडेड हैं उनके वीडियो लेक्चर खत्म नहीं हुए हैं, आपको 2 दिन में अपने वीडियो लेक्चर खत्म करने हैं। ठीक है, 2 दिन में वीडियो लेक्चर खत्म करने हैं। जो बच्चे हमारे पेड कोर्सेज में एडेड नहीं है, ठीक है, अगर आपका कोई चीज बाकी है कि मेरे को इसका कुछ नोट बनाना बाकी था या मेरे को ये बुक पढ़ना बाकी था, आपको भी 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ कि आपको 2 दिन में वो चीज खत्म करनी है। ठीक है, दोनों को समझ में आ गया? जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जल्दी दुकान में जाओ, कोई पतली सी जीएस की बुक खरीदो, उसको पढ़ना शुरू करो, 2 दिन का टाइम आपके पास। ठीक है, 2 दिन में बुक खत्म करो। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, आपके पास केवल 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के टाइम में अगर आपके वीडियो लेक्चर कंप्लीट नहीं हुए तो वीडियो लेक्चर खत्म करो। जो लोग हमारे साथ फ्री कोर्सेज में एडेड है मतलब फ्री में लाइव सेशन करते हैं, है ना, अगर आपका कोई चीज बाकी है कि सर मेरे को लूसेंट पढ़ना था या इसका कुछ बुक से मेरे को एनसीईआरटी पढ़ना था, तो केवल 2 दिन का टाइम है भैया, 2 दिन में तुमसे जो हो पाता है कर लो, केवल 2 दिन। ठीक है, आज 24 तारीख है, 25-26 आज रात से ये प्लान को फॉलो करना शुरू कर देना। ठीक है, और जो लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है आपके लिए क्या, बेसिकली जो बेसिक आइडिया है ना, जैसे कि आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा होगा, जैसे किसी का हिस्ट्री अच्छा होता है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा होता है, तो जिसका जो सब्जेक्ट अच्छा है और जो सब्जेक्ट बुरा है उसके लिए कोई
पतली सी बुक खरीदी है, ठीक है, उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मैं बताता हूँ, जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, आप सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, आप समझ जाइए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। और जो लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए आगे और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो दो जो मैंने लिखा है ना, टू डेज लास्ट, उसका क्या मतलब है कि आपको अगर आपके पास दो दिन का टाइम है, अगर लेक्चर नहीं कंप्लीट, लेक्चर कंप्लीट करो, अगर लेक्चर कंप्लीटेड है तो जो चीजें बची हुई ना, किसे नोट्स बनाना बचा हुआ है, या सर हमारा मैथ्स का कोई लेक्चर नहीं हुआ, या सर हमारे मैथ्स में कोई प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तो उसको दो दिन में अभी खत्म करो, केवल दो दिन का ही टाइम है आपके पास, ठीक है, टाइम लिमिट के साथ चलना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो न्यू रिसोर्सेज, ठीक है, कोई भी नई रिसोर्स नहीं पढ़ना। अगर तुमने सोचा था कि मैं इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ूंगा, जीएस पढ़ूंगा, क्वेश्चन पेपर लगाऊंगा, तो अब उसका टाइम जा चुका है, ठीक है, अब कोई भी न्यू रिसोर्स नहीं पढ़ना है। हाँ, क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अगर तुमने सोचा है ना कि कोई जीएस की बुक पढ़नी है या एनसीईआरटी पढ़नी है, तो उस सबका टाइम जा चुका है, कोई भी न्यू रिसोर्स को नहीं उठाना। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पढ़ के सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे एक बार की रीडिंग में, ठीक है। एक बार की रीडिंग में आइंस्टाइन नहीं आ पा लोगे, यहाँ तक कि आइंस्टाइन को भी चीज इतनी जल्दी याद नहीं होती थी, है ना, तो एक बार में नहीं समराइज कर पाओगे। तो दूसरा पॉइंट अपन का इसके ऊपर है। तीसरा पॉइंट, एटलीस्ट 8 hours or 10 hours, अब 20 दिन बचे हैं तो एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। 20 ही दिन बचे हैं, बस आपको 20 दिन और मेहनत करनी, 20 दिन बाद कोई नहीं बोलेगा बेटा पढ़, या इंस्टाग्राम मत चला, गेम मत खेल, बाहर मत जा, गाड़ी मत चला, ठीक है, कोई नहीं मना करने वाला, बस 8 से 10 घंटे 20 दिन पढ़ना है, तो एटलीस्ट अब आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, नो टू इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेम्स, इंटरनेट, ठीक है। थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के लिए, कि आपको जो जो हमारी आदतें रहती हैं, सबकी कोई आदतें रहती है ना, कि आप कुछ लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, तो इन सबको 20 दिनों के लिए कृपा करके बंद कर दीजिए। अगर आप लोग अपनी रैंक में बूस्ट चाहते हैं ना, मतलब अगर रैंक में चाहते हैं कि हमारा अच्छा रैंक आए, ठीक है, तो 20 दिनों के लिए इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अपने इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट के चलाना, मतलब इंटरनेट क्या, यूट्यूब चलाना बंद कर दो, अगर कुछ मतलब कुछ भी कॉमेडी वीडियो देखते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक नहीं, कहीं घूमने जाते हो गाड़ी से, तो सबको बंद कर दो 20 दिनों के लिए, ठीक है। इसको आप किसी से रिप्लेस कर सकते हो, जैसे मैंने क्या किया था, मैं म्यूजिक से रिप्लेस कर देता हूँ इसको, म्यूजिक और मैं चाय से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए दो चीजें काम करती थी, मतलब मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता, मैं गेम बहुत खेलता था, मोबाइल गेम्स, ठीक है। तो मैंने कहा म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया 20 दिनों के लिए, बस आपको 20 दिन में मतलब थोड़ा सा परिश्रम करना है, और मैं चाय पी लेता था जब भी मेरा जब मैं पढ़ के बोर हो जाता था, ठीक है। तो आप भी अपने लिए कुछ ढूंढ लीजिए, जैसे किसी को कॉफी पीना पसंद है, कॉफी पी लो, म्यूजिक सुन लो, है ना, 10-15 मिनट का कोई कॉमेडी वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब में, उससे भी चल जाएगा, लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, इन सब चीजों में इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट का अपन, जो अपन का जनरल टेस्ट है, उसके ऊपर अपन को ध्यान देना है कि हमको इसमें प्लानिंग क्या है, ठीक है। मैं जनरल टेस्ट में आपको हर दिन क्लास देता हूँ, 10 से 12 क्लास आपके ले चुका हूँ हर दिन, है ना, जनरल टेस्ट की, लेकिन मैं रियलिटी से बिल्कुल आपको छुपाऊंगा नहीं। ध्यान रखना, जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 75 क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, थीके? और इसका सिलेबस है मतलब ब्रह्मांड, कुछ भी आ सकता है, जीके, जीएस, मतलब जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंसलर इकोनॉमिक्स आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसका सिलेबस डिफाइन नहीं कि सर इसके अंदर ही आएगा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। हिस्ट्री में क्या पता वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो इसका सिलेबस डिफाइन नहीं है, तो इसका जितना एफर्ट हम लोग डाल सकते हैं अपने कोर्सेज में और फ्री लाइव क्लासेज में, वो आपको दे दिया गया है। लेकिन जनरल टेस्ट में 75 में से 60 क्वेश्चन बनाना, बाय लक अगर ना कहो कि पेपर अच्छा आ गया, पेपर आप लोगों से आता है, तो बना ले जाओगे। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है, इसको जरा इग्नोर मत करना, इसमें लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको 40 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। यहां तो एकदम गोल्डन, मतलब सोने की मुर्गी तो यहीं पर है, ठीक है, यहाँ पे एकदम डिफाइंड सिलेबस है। अगर आपने हिंदी चूज किया है तो क्रिया, विशेषण, सर्वनाम से ही क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में आपसे क्वांटम फिजिक्स नहीं पूछेगा या रॉकेट मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, है ना, इसमें गारंटेड है कि कालवाचक, संज्ञावाचक या परिणाम, विशेषण, क्रिया, पर्यायवाची, मुहावरे, इन सबसे क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज लिए तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ब, नाउन, टेंसेस, इन सबसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे 60 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। अगर आप बाय चांस मान लो पेपर बहुत टफ आ गया, सबसे 60 में से 40 क्वेश्चन ही बन गए, ठीक है, आपसे भी 40 क्वेश्चन, आपसे मान लो 35 क्वेश्चन ही बन पाए, लेकिन अगर आपने लैंग्वेज अच्छे से की तो आप 40 में से 35 क्वेश्चन इसमें आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चे जनरल टेस्ट में हिस्ट्री का आर एस शर्मा बन रहे हैं, या तो ज्योग्राफी का माजिद हुसैन बन रहे हैं, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत बन रहे हैं, इन सबसे कोई फायदा नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली पेपर निकालना है, किसी का हमको ज्ञाता या पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत बहुत फोकस करना, ठीक है। आपका डे का शेड्यूल भी मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना। तो लैंग्वेज आपको बहुत ध्यान देना है, अपने लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज बहुत ज्यादा ध्यान देना। जनरल टेस्ट में इंपॉर्टेंट है, जनरल टेस्ट ऐसी कोई बात नहीं, जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को अपन मिस नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके दिन में एटलीस्ट आपको लैंग्वेज में 2 से 2.5 घंटे टाइम देना है, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे आपको टाइम देना है। अगर आप लैंग्वेज पहले पढ़ चुके हो
तो भी 2 से 2.5 घंटे का टाइम देना। अगर आपने लैंग्वेज बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो अच्छे से ध्यान नहीं दिया है, तो भैया तुम 4 या 3 घंटे टाइम दे सकते हो लैंग्वेज को। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज जिसकी कमांड होगी उसका सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज रखता है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो कि 10 क्वेश्चन कम 50% का वेटेज लैंग्वेज के ही पास है। और जीके जीएस मैंने क्लियरली बता दिया, हालांकि मैं जीके जीएस ही पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि उसमें कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा अजीब से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप ये नहीं बोलोगे कि कैसा क्वेश्चन आ गया, पेपर पैटर्न कैसा है, ठीक है। जीके जीएस का कोई बाउंड्रीज नहीं होती, लेकिन लैंग्वेज में बाउंड्री है। हिस्ट्री में अगर हिंदी से क्वेश्चन आ रहे थे, हिंदी में मैंने जैसा बताया ना कि इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, हिंदी में या तो हिंदी के ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे या तो उसके इतिहास से क्वेश्चन आएंगे, ये कब रचना किसने की है ना, कामायनी की रचना किसने की है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये तो उनके लिए था जिन्होंने जनरल टेस्ट और वो वाले क्वेश्चन वाली यूनिवर्सिटी चूज की है कि जिसमें जनरल टेस्ट और लैंग्वेज आएगा। अब कुछ बच्चों ने डोमेन वाली यूनिवर्सिटी भी चूज की होंगी, है ना। तो डोमेन वाले में थोड़ा सा कंडीशन डिफरेंट है। डोमेन वाले में क्या है, जनरल टेस्ट जैसा नहीं है। डोमेन वाले में आपको हिस्ट्री में इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, अगर आपका आर्ट्स लिया आपने, जीओ के लिए तैयारी करें, ठीक है, ज्योग्राफी में इक्वल इंपॉर्टेंस देना है और पॉलिटी में इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। और लैंग्वेज तो यहाँ पर भी भैया एकदम बजरंग बली का काम कर रही है, लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज को प्लीज मिस मत करना, बहुत ज्यादा पछताओ अगर लैंग्वेज कम स्कोर किए, ठीक है। लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसको अच्छे से तैयारी करना। अगर आप इसके लिए कोई एक्स्ट्रा बुक खरीद सकते हो तो खरीद लेना, मतलब खरीदने की जरूरत नहीं, जो भी लेक्चर पढ़ाएगा उनसे पढ़ा लेना, या तो लूसेंट की आती है पतली सी, या तो नेट से जो टॉपिक आपके कमजोर है, जैसे कि क्रिया विशेषण किसी का कमजोर है, ठीक है, तो आप कोर्स में वीडियो एक बार वापस देख लीजिए, लेक्चर वापस देख लीजिए, या किसी नई बुक से उसको पढ़ लीजिए, लेकिन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। डोमेन वालों को ध्यान रखना है कि आपको डोमेन में मजाक में नहीं लेना डोमेन को, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस आपको बराबर पढ़ना है। मजाक मैंने जनरल टेस्ट को भी लेने को नहीं कहा, मजाक में लेने को नहीं कहा, लेकिन मैंने ये कहा कि जनरल टेस्ट में पढ़ते जाना है, लेकिन पूरा का पूरा अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो तो ऐसा मत सोचना कि लैंग्वेज को 1 घंटा ही देंगे, नहीं, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज को कम से कम 2 से 2.5 घंटा देना है, ठीक है। तो ये हो गया अब अपन का, तो मैं तो ऐसा जीके जिसका टीचर हूं तो ऐसे मेरे को पता नहीं है कि मैथ्स में आपको क्या स्ट्रेटजी बताई जाए, उसके लिए आपको विपुल गुंजन सर से स्पेशल सेशन करा देंगे कि आपका मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी, ठीक है। लेकिन जब मैं तैयारी करता था तो मेरी क्या स्ट्रेटजी थी मैथ्स की उसको मैं बता देता हूं, ठीक है। मैथ्स जैसे कि मेरे को हर टॉपिक नहीं आता था, ठीक है, मैथ्स में हर टॉपिक में मैं एकदम जीनियस नहीं था, है ना। तो मैथ्स में मैंने क्या किया था कि मेरे को कुछ टॉपिक अच्छे से आते थे, तो मैंने एकदम से ये प्रण ले लिया था कि भैया इन टॉपिक्स अगर मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। वो टॉपिक कौन कौन से थे, SICI सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया अपन का, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन आते हैं, रेल से और रेलवे स्ट्रीम स्ट्रीम से जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया था कि मैथ्स भले ही मेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर मैथ्स से 15 क्वेश्चन आते हैं तो 9 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं, तो एटलीस्ट इस टॉपिक पर मैं इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लूँ कि मेरे यहाँ क्वेश्चन नहीं गलत होने वाले, ठीक है। अगर आप कोशिश करोगे कि मैं 100 का 100% सिलेबस तैयार कर लूँ तो मैं गारंटी कहता हूँ 100 का 100 नहीं कर पाओगे, और जहाँ तक कि जो तैयार किया उससे भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स में मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो टॉपिक मेरे स्ट्रॉन्ग है एटलीस्ट मैं उनसे क्वेश्चन गलत ना करूँ, ठीक है। मैथ्स में इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, आप भी अपने टॉपिक चूज कर लीजिएगा कि मेरे से एवरेज बहुत अच्छा आता है, मेरे से कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छा आता है, मेरे से परसेंटेज बहुत अच्छा आता है, मेरे से प्रॉफिट लॉस अच्छा आता है, तो इनमें मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूं कि मैं इनमें क्वेश्चन गलत करके ना आऊं, ठीक है। मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स हैं वो सब हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, है ना। तो आप कुछ टॉपिक तो आपको ऐसा होंगे ना जो इस वाले में आते हैं, तो उनको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए कि इनमें में से गलत ना हो, ठीक है। और मेंसुरेशन है, बहुत सारे एडवांस टॉपिक है, वो नहीं आते तो उनमें आप टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। सिर्फ 20 दिन का टाइम है, अब उनकी प्रैक्टिस करने का कोई यूज़ नहीं है। जो टॉपिक आपको आते हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ें ईजी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक छोटे से पेज में जितने भी फॉर्मुलाज हैं मैथ्स के जो आपको सर ने पढ़ाए उन सबको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो लास्ट टाइम में जो आप जाएंगे ना तो उनको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा, जितने भी फॉर्मुलाज हैं मैथ्स के उन सबको लिख लीजिए, ठीक है। मैथ्स में रीजनिंग में आपने जो स्ट्रैटेजी थी मेरी, रीजनिंग मेरी अच्छी थी, रीजनिंग में मैं काफी अच्छा था, तो रीजनिंग में मेरी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। रीजनिंग मैंने सोचा था कि मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन ही बनाऊंगा, तो रीजनिंग ईजी होती है, ठीक है। मैथ्स से कंपाइल्ड रीजनिंग ईजी ही होती है ना। तो आप रीजनिंग में ऐसा नहीं कर सकते रीजनिंग में शर्म से नहीं आता, रीजनिंग में अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग बहुत ईजी होती है, आपसे बन जाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, रीजनिंग में अच्छे से क्वेश्चन करोगे तो ईजिली बन जाएगा। इसमें भी आप सेम चीज कर सकते हो, जितने भी फॉर्मुलाज होते हैं ना, जैसे कि कैलेंडर में फॉर्मुला होता है, क्लॉक एंड जो क्लॉक वाला चैप्टर उसमें फॉर्मुला होता है ना, तो सबको एक पेज में लिख सकते हो, तो आपको इजीली ध्यान हो जाएगा, है ना। अब दूसरा, मैंने 8 से 9 घंटे आपको पढ़ने को कहा है, ठीक है, थोड़ा सा इनके इंटरनेट बंद कर देना, और जो आपको प्लानिंग बताई गई कि आपको 2 दिन में जितनी भी आपकी बाहर वाली चीज़ें सबको खत्म कर लेना, वीडियो वीडियो, ठीक है। नए लेक्चर को आपको, मतलब जो नए रिसोर्स हैं सबको आपको नहीं पढ़ना है ना। अब और क्या चीजें आप देख लेते हैं, मैथ्स में आपको सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ने हैं, अब पूरे टॉपिक का रिवीजन मत करने बैठ जाइएगा, ठीक है, कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो जो टॉपिक आपके बेस्ट हैं उनमें गलत मत करके आइएगा, ठीक है।
अब एक और बात, ये वीडियो का जो मैं लाने का जो मेरा मकसद था, मतलब विपुल भैया ने खुद ही ला लेते, विपुल भैया, लेकिन मेरे को लाने को कहा था, तो मैं साफ साफ इसको स्टडी प्लानिंग ही कहता हूँ, ठीक है, इसको स्ट्रैटेजी नहीं कहेंगे। स्ट्रैटेजी आप सबकी खुद की होगी, स्ट्रैटेजी आप सबकी खुद की होगी, स्ट्रैटेजी आप सबकी खुद की ही होगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए कि मेरी हिस्ट्री कमजोर है तो हिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। टाइम को डिवाइड कर लीजिए, अगर मैं 8 घंटा पढ़ने वाला हूँ, ठीक है, तो 2 घंटा तो अपने, 3 घंटा या 2 घंटा तो अपने मैं लैंग्वेज को दूंगा, ठीक है। मैं 1 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस किया करूंगा, मैं 1 घंटा रीजनिंग की प्रैक्टिस किया करूंगा, और बाकी चीजें मैं अपने जनरल टेस्ट की चीजों में दिया करूंगा। जनरल टेस्ट में अगर मेरी ज्योग्राफी मजबूत है तो ज्योग्राफी में थोड़ा सा कम टाइम देंगे तो चलेगा, हिस्ट्री कमजोर है तो हिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और टॉपिक्स को डिवाइड कर लीजिएगा, जैसे कि हिस्ट्री आपको 15 दिन में खत्म करनी है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर आपको हिस्ट्री 15 दिन में खत्म करनी है, हिस्ट्री आपको 15 दिन में खत्म करनी है, तो उसको डिवाइड कर लीजिए 15 दिन आपके पास। 5 दिन में हम खत्म करेंगे एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, 5 दिन में हम खत्म करेंगे मेडिवल हिस्ट्री, और 5 ही दिन में हम खत्म कर देंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए हर सब्जेक्ट को। ज्योग्राफी में भी अगर आपको कोर्स में 20 लेक्चर दिए गए हैं, ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिए कि 5 दिन में 10 लेक्चर कर लेंगे, 5 दिन में 10 लेक्चर कर लेंगे, तो ऐसे प्लानिंग के हिसाब से डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब ये सब तो हो गया, अब जो फाइनल तरीका है सबका क्या है, आपको हर दिन एक टेबल बनाना है, हर दिन एक टेबल बनाना है कि मेरे को आज क्या क्या काम करने हैं। सुबह उठ के आपको ये टेबल बनाना है कि आज, जैसे कि टेबल में क्या हो सकता है कि आज लैंग्वेज 2 घंटा पढ़ना है, मैथ्स का ये वाले चैप्टर का रिवीजन करना है, मान लेते हैं CISI, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। रीजनिंग में आज क्लॉक वाले का प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और आज हिस्ट्री का एंशियंट हिस्ट्री खत्म कर लेनी है, और आज ज्योग्राफी में क्लाइमेट पढ़ लेना है, ठीक है। तो आपको ये पूरा चेकलिस्ट बनानी है सुबह सुबह, और रात को आपको ऐसा नहीं कि पूरे आप चेकलिस्ट को एकदम ग्रीन सिग्नल दीजिए, आपसे जो जो टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं उनको आप टिक कर दीजिए। जैसे कि मेरा हो गया, मैथ्स मैंने कर लिया तो उसमें टिक लगा दिया, रीजनिंग कर लिया तो टिक लगा लिया, हिस्ट्री कर लिया तो टिक लगा दिया, मेरा ज्योग्राफी नहीं होता तो इसमें क्रॉस लगा दो, ठीक है। और इसको ध्यान रखना, आपको इसको सुबह कवर करना है, मतलब जो कुछ भी हो जाए, अपनी भले नींद छोड़नी पड़े या जो भी छोड़ना पड़े, आपको इसको सुबह कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे चेकलिस्ट बना लेना, तो जो आप लोग कहते हो ना सर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, जिस दिन आप अपना पूरे टारगेट कंप्लीट करके पूरे में टिक 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 लगाओगे ना, उस दिन उससे ज्यादा मोटिवेशन किसी और चीज से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रख लेना, बेसिकली इतनी स्ट्रैटेजी है। और ऐसे कुछ, ऐसा मैं जैसे बता रहा था ना, 20 दिनों में ऐसा आपको कुछ नया नहीं करना है, जो सिंपली करना था अपने सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए। आपके लिए जो मैराथन क्लासेस है रिवीजन के लिए, वो हम लोग लेके आ जाएंगे, ठीक है, तो रिवीजन आपको हम वहां पे करा देंगे। आपको अपने हिसाब से कोई चीज नया नहीं पढ़नी है, टाइम को थोड़ा बढ़ा दीजिए, पढ़ने का टाइम को बढ़ा दीजिए, इंस्टाग्राम चलाते हैं तो कम कर दीजिए, फेसबुक चलाते हैं तो कम कर दीजिए, ठीक है। और लास्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन सब करने का जो नतीजा है, वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बोलूँ ना, अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ द जोश, तो आप बोलोगे हाय सर, ठीक है, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया ना, पेपर में क्वेश्चन देने जाओगे, अगर आपसे पहले से क्वेश्चन, पहले 10 क्वेश्चन आपसे गलत हो गए ना, आपका जो जोश है ना वो पैर के नीचे चला जाएगा, इतना ज्यादा डाउन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पेपर वाला प्रेशर बहुत अलग होता है घर में बैठने से, घर में बैठ के पेपर देने वाले से प्रेशर बहुत अलग होता है जो रियल पेपर देने जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करके जाना, आपको टेस्ट सीरीज भी आ रही है, टेस्ट सीरीज आपको 26 तारीख को आपको अनाउंस कर देंगे टेस्ट सीरीज, ठीक है। जो लोग बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में टेस्ट सीरीज आपको आएगी तो सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, सब लोग टेस्ट सीरीज खरीद लेना। जो लोग नहीं खरीद पा रहे हो प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है, मैं गारंटी से बता रहा हूँ। अगर आप लोग प्रेशर नहीं पता क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया ना, अगर शुरू के 10 क्वेश्चन आप लोगों से गलत हो गए तो आप कितना भी अच्छे से तैयारी करके जाओगे, आप लोग इतना घबरा जाओगे कि सबका सब पूरा पेपर ही बर्बाद करके आ जाओगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी वीडियो के लिए इतना ही था। अब लास्ट में उनके लिए बता देते हैं जिनको से, जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, तो उनके लिए सबसे पहली बात कि आपके लिए तालियां बजनी चाहिए, ठीक है। आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, सबसे पहले अपने लिए तालियां बजा लीजिए। दूसरा बात, आपको अगर थोड़ा सा भी आप में मोटिवेशन है तो आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स ला लिया जाएगा, 26 जून को आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए, टेस्ट सीरीज तो सबके लिए मस्त है, मतलब टेस्ट सीरीज जो मिस कर रहा है, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मिस कर रहा है, उसको पेपर जाके ही भुगतेगा, उसको क्या मिलने वाला है, ठीक है। टेस्ट सीरीज आपके लिए ला दी गई है। जो 20 दिन जिनके लिए बचे हैं, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास 20 दिन तो है ना, तो 20 दिन जी तोड़ मेहनत कर सकते हो तो जी तोड़ मेहनत कर लो। आपको जो भी, आपको जैसे भी तैयारी करने को मिलता है, अगर आपको खुद से तैयारी करनी है खुद से तैयारी कर लीजिए, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आपको बस 20 दिन अपना पूरा देखना है, क्योंकि अब और कोई ऑप्शन है नहीं, 20 दिन है, 20 दिन तैयारी करके देख लेते हैं, जो होगा एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला माइंड सेट करके चलिए, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और कुछ और ऐसे वीडियो चाहिए होंगे तो बताइएगा, नेक्स्ट टाइम विपुल भैया आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा, जो अपने प्लान में अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही डिजाइन कर लेना, ठीक है ना, कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, किस में टाइम देना है। ध्यान रखना, लैंग्वेज को मिस नहीं करना, 8 से 10 घंटा पढ़ाई करना शुरू कर दो, न्यू रिसोर्सेज को ऐड नहीं करना, इंस्टाग्राम ये सबको बंद कर दो, और रिजल्ट एकदम अच्छा आने वाला है, ठीक है।